और लाडली लक्ष्मी योजना की रीलॉन्चिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करें, सीधी तस्वीरें दिखाते। मंच पर इस अवसर पर विराजमान हमारी कैबिनेट मंत्री खेलकूद और युवक कल्याण बहन श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, कैबिनेट की हमारी मंत्री पर्यटन और संस्कृति सुश्री उषा ठाकुर जी, विदिशा से जुड़े खजुराहो के लोकप्रिय सांसद भाई बीडी शर्मा जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी मंत्री साथीगण, सभी सांसदगण, विधायकगण, बहन माया नारोलिया जी प्रदेश अध्यक्ष बहला मोर्चा, मेरे साथ यहाँ उपस्थित लाड़ली लक्ष्मी मंच पर लाड़ली लक्ष्मी बेटियाँ, सभी अधिकारीगण और प्रदेश भर में मेरी बेटियों, आज केवल यही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी बेटियां उपस्थित है, एक बार जोरदार तालियां बजा के सभी लाड़लियों का स्वागत करो। बेटी आपको पता है आज मदर्स डे है, सबको पता है अपनी माँ की सब इज्जत करती है, माँ से लड़ती तो नहीं है, अरे उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी, ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। आज अपनी अपनी माँ को सब प्रणाम करो दोनों हाथ जोड़ के, माँ को कभी भूलना मत क्योंकि माँ के कारण अपना अस्तित्व है। और आज मुझे भी मेरी माँ याद आ रही है, माँ बच्चों की जाँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी। मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था, लेकिन आज भी माँ का लाड़, माँ का प्यार, माँ का दुलार कभी भूलता नहीं है। तो मैं एक अपील लाडली लक्ष्मी बेटियों से करना चाहूँगा कि अपने माता की और अपने पिता की, पापा की हमेशा इज्जत करना, सम्मान करना, सब करेंगी उनकी बात मानेंगी। मेरी बेटियों आज लाडली लक्ष्मी उत्सव है, मैं माताओं से भी कहना चाहता हूं, आज कई माँ अपनी बेटियों के साथ आई है, वो माँ मेरी बहनें हैं, क्योंकि ये जितनी बेटियां यहां और प्रदेश में बैठी हैं वो मेरी भांजियां हैं, हैं कि नहीं। तो मैं भांजियों का कौन हूं। मेरी बेटियों सचमुच में आज मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। आज इतनी लाडली लक्ष्मी बेटियां, 42,14,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश में हो गई है। और एक बात बताऊं तुमको, बताऊं, मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो मेरी जिंदगी सफल हो जाती है। अच्छा लाडली लक्ष्मी योजना कैसे बनी उसकी कहानी सुनाऊं, सब ध्यान से सुनोगी। देखो मेरी बेटियों, बचपन में मैं गांव में, जैत करके गांव है छोटा सा, वहां पैदा हुआ, तो मैं बचपन से देखता था कि माँ भी कई बार बेटे को ज्यादा प्यार करती थी और बेटी को कम लाड़ करती थी। ये 60-62 साल पहले की बात है, तब हर माँ की इच्छा होती थी कि मेरे घर में बेटा जन्म ले, सबकी नहीं जरा ज्यादातर की, और बेटा पैदा होता था तो खुशियां मनाई जाती थी, बधाई गाई जाती थी, ढोल बजते थे, मिठाई खाते थे, और बेटी अगर आ गई तो कई बार माँ की सूरत भी उतर जाती थी, जैसे बेटी नहीं हो कोई आफत हो। मेरे गांव में एक मेरी बहन मतलब उसी गांव की बहू थी, उसकी पहले एक बेटी हुई, दोबारा फिर बेटे की चाह हुई, सास ने कहा कि अब की बार तो बेटा ही होना चाहिए, लेकिन दूसरी बार भी बेटी पैदा हो गई, और तीसरी बार जब बेटी पैदा हुई तो सास ने कहा कि इसको घर से निकाल दो, ये तो बेटा पैदा ही नहीं कर रही, बेटी बेटी पैदा कर रही है। आप बताओ माँ के हाथ में है क्या बेटा बेटी को सिलेक्शन करना।
माँ के हाथ में नहीं है, लेकिन मैंने उस बेटी उस बहन की आंखों में आंसू देखे थे टप टप टपकते हुए, और तब मेरे मन में एक दर्द पैदा हुआ, एक हूक उठी कि हे भगवान ये कैसा भेदभाव, बेटे को ज्यादा लाड़ बेटी को कम प्यार। आखिर बेटा और बेटी दोनों माँ की कोख से पैदा होते हैं, दोनों को भगवान ने बनाया तो दोनों में कोई भेद होना चाहिए क्या? मेरे मन में ये बात हमेशा चुभती रहती थी और मैं सोचता था कि हे भगवान, इस धरती पर हमारे प्रदेश में और देश में वो दिन कब आएगा जब बेटियों को बोझ ना माना जाए, बेटी को वरदान माने लोग, और बेटी आए तो लोग स्वागत करें, खुशियां मनाएं। ये दर्द मेरे मन में पैदा होता था और तब से ही मैं सोचता रहता था कि क्या करूं, मैं तो छोटा था, लेकिन धीरे धीरे मैं बड़ा होता चला गया। तो एक किस्सा और सुनाता हूं, सुनाऊंगा आपको। एक जगह मैं बोलता पहले से था, भाषण देता था, बोलता था कई विषयों पर, डिबेट में भी भाग लेता था। तो एक जगह ऐसे सम्मेलन था, मुख्य अतिथि के आने में देर हो गई, तो लोगों ने कहा ये लड़का अच्छा बोलता है, इसको बोलने खड़ा कर दो। तो मैं बोलने खड़ा हुआ और मैंने लोगों से कहा, वहाँ बहनें भी बैठी थी, मैंने कहा कि देखो बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी को आने दो, बेटी है तो ही कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा उठ के खड़ी हो गई, कह लगी बड़ा बड़ा बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। अरे बेटी आई और बड़ी हुई, शादी के लायक हुई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। मैं चुप हो गया और मुझे लगा कि शिवराज केवल भाषण से काम नहीं चलेगा रे, कोई ऐसा काम करना पड़ेगा कि जिससे बेटी बोझ ना मानी जाए, बेटी वरदान बन जाए। अब देखो धीरे धीरे गांव में पैदा हुआ एक लड़का विधायक बन गया, MLA बना मैं। तब मैंने तय किया कि मेरे क्षेत्र में जितनी बेटियां हैं गरीब बेटी, उनकी शादी मैं अपने दोस्तों की मदद से करूंगा, क्योंकि शादी भी कई बार बोझ बन जाती है। तो बेटियों की शादी करना शुरू की। अब मैं लंबा नहीं जाऊंगा इस कहानी में, मैं 2005 में मुख्यमंत्री बन गया, नवंबर 2005 में मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। मैंने तय किया कि शिवराज अब मुख्यमंत्री बन गया रे, अब तो बेटियों को वरदान बना दे। मेरे मन में एक विचार आया, बताऊं विचार क्या आया? मेरे मन में विचार आया कि बेटी मध्य प्रदेश में लखपति पैदा होनी चाहिए। अब लखपति कैसे पैदा हो? तो मैंने अफसर बुलाए और उनसे कहा, मंत्री भी बुलाए, कि ऐसी योजना बनाओ कि बेटी पैदा हो तो वो लखपति हो। तो लोग हंसने लगे, कैसी योजना कोई हो सकती है क्या? मैंने कहा हाँ हो सकती है। अब बेटी जब पैदा होगी तो बेटी के पैदा होते ही हम उसके नाम से 30,000 रुपया के बचत पत्र खरीद के बिटिया के मम्मी पापा को दे देंगे, 30,000 रुपये के बचत पत्र। और वो रुपया बढ़ते 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 जब बेटियां 21 साल की होगी तो 1,00,000 रुपया से ज़्यादा हो जाएगा। पहले बड़ा विरोध हुआ, अब सरोन का इतने पैसे कहाँ से लाओगे, 1,000,000,000 करोड़ रुपया खर्चा होंगे। मैंने कहा चाहे जो हो जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में बेटी को लखपति बना के मानूंगा, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई जाएगी। और तब 2006 में लाडली लक्ष्मी योजना बनी, हमने तय किया बेटी जन्म लेगी तो दो बेटियों तक जो माता पिता तैयार होंगे कि अब बेटे की जरूरत नहीं है, उनके नाम से 30,000 रुपये के बचत पत्र खरीद के हमने माता पिता को देना शुरू कर दिया। और इसको मेरी बेटियों हमने पढ़ाई से जोड़ दिया कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000 रुपया मिलेंगे, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000 रुपया मिलेंगे, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000 रुपया मिलेंगे, और फिर 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000 रुपया मिलेंगे, और जब 21 साल की हो जाएगी तो फिर 1,00,000 रुपया मिल जाएंगे, बेटी लखपति होगी, लखपति ये लाडली लक्ष्मी योजना। और आज ये मेरी बेटी बैठी है, तुम मेरी बेटियों सब लखपति हो कि नहीं, लाडली लक्ष्मी योजना में। और अब इसको पढ़ाई से भी हमने इसलिए जोड़ा कि सब बेटियां ढंग से पढ़े,
अब 42,14,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं मध्य प्रदेश में। कितनी है? 42,14,000। अब यहां तक तो हमारा सफर तय हो गया। आज सुनो मेरी बेटियों, अब आगे के सफर को भी हमको तय करना है। ये लाडली लक्ष्मी बेटी योजना का, लाडली लक्ष्मी योजना का चमत्कार है कि आज, पहले जब मध्य प्रदेश में 2006-07 में केवल 911 बेटी पैदा होती थी 1000 बेटों पे, आज बढ़ते बढ़ते 1000 बेटों पे 956 बेटियां जन्म ले रही है, और मैं 1000 बेटों पे 1000 बेटी जन्म ले, ये हमारा संकल्प है। अब कई माँ बाप ऐसे हैं कि जो बेटे की चाह नहीं करते, वो कहते हैं बेटियां हैं तो बेटियां ही हमारे कुल को तार देगी, क्योंकि बेटी बेटे से कम नहीं है।